जैसा सौरभ जी ने कहा, हम जंतर मंतर पहली बार नहीं आए हैं। कई बार लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमें जंतर मंतर आना पड़ा है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, शायद जितना दिल में दर्द आज जंतर मंतर आके हुआ है, शायद दिल में दर्द कभी इतना नहीं हुआ है जितना आज दिल में दर्द हुआ। मैं कल देख रही थी, मैंने जो हमारे इस देश को पूरी दुनिया में जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, कल जब मैं उन खिलाड़ियों की टीवी पर बाइट देख रही थी और जब इनकी आंखों से आंसू निकले तो मैंने सोचा कि ये कैसी कठोर दिल सरकार है। ये आंसू देख के तो पत्थर भी पिघल जाएंगे, लेकिन मोदी जी के कान पे जो नहीं लग रही है ये आंसू देख के। ये कौन है जो आज जंतर मंतर पे बैठी हुई है? ये वो महिलाएं हैं, ये वो लड़कियां हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने जब देश के लिए मेडल लिया, जब देश का नाम रोशन किया तो हम सबका कॉलर गर्व से ऊंचा उठ गया। इस पूरे देश में कोई एक इंसान नहीं रहा होगा, चाहे वो एक पार्टी का हो, दूसरी पार्टी का हो, देश के एक हिस्से का हो, दूसरे हिस्से का हो, जिसको गर्व नहीं हुआ होगा जब ये खिलाड़ी हमारे देश के लिए मेडल लेके आए। और ये कितने दुख की बात है कि जिस पर पूरे देश को गर्व है आज उसे अपने हक की लड़ाई पे चंतन मंतर पे बैठना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि पूरे देश को शर्मसार होना चाहिए। मैं सबसे पहले इन खिलाड़ियों को सलाम करती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे आवाज उठाने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है। मैं खुद भी एक महिला हूं, मैं जानती हूं कि जब एक महिला अपने घर से बाहर निकलती है, जब वो गली में जाती है, जब वो बस में जाती है, जब वो अपने स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, छोटी उम्र से एक महिला को छोटे बड़े यौन शोषण का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके हर महिला आगे बढ़ती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है। अगर आज ये खिलाड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची है तो कितना संघर्ष करके पहुंची होंगी ये हम सबको पता। और उसके बाद केंद्र की सरकार, उनके नुमाइंदे इनके साथ यौन शोषण कर रहे हैं, और एक के बाद एक यहां पर जो सारे खिलाड़ी अंदर बैठी है वो हमें बता रही है कि किस किस तरह से इन नेताओं के फोन आते थे, किस किस तरह से अपने नौकरों से फोन कराते थे, अपने अफसरों से फोन कराते थे। और आज जब ये हिम्मत करके आवाज उठा रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उस खेल मंत्री को जो आज इन मेडल लाने वाली लड़कियों को बोल रहा है कि तुम इनडिसिप्लिन्ड हो। मैं अनुराग ठाकुर जी को कहना चाहती हूं, आप एक हफ्ते के लिए उतनी ट्रेनिंग करके दिखाइए जितनी ये खिलाड़ी रोज करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूं अपने घर से नहीं निकल पाएंगे आप साथ रहते। शर्म आनी चाहिए आपको कि आज इन खिलाड़ियों की डिसिप्लिन पे आप सवाल उठा रहे हैं। और मैं यहां पे जो हमारे सारे मीडिया के भाई बंधु हैं उनके माध्यम से मोदी सरकार को ये कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी जी को ये कहना चाहूंगी, मोदी जी शर्म करो। आज ये देश की बेटियां सड़क पर बैठी हुई हैं। आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, देश को गौरव लाने वाली बेटियों को अगर सड़क पर बैठना पड़ रहा है तो आपके राज में एक भी बेटी महफूज नहीं है। बलात्कारियों के साथ खड़ा होना बंद करिए, यौन शोषण करने वालों के साथ खड़ा होना बंद करिए, और इन खिलाड़ियों की आवाज को सुन के इन खिलाड़ियों को न्याय दिलाइए। आज यहां पे हजार लोग बैठे हैं, लेकिन अगर इन खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिला तो कल यहां पे 10,000 लोग होंगे
फिर 1 लाख लोग होंगे, फिर 10 लाख लोग होंगे आपके अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई चलती रहेगी। और मैं सारे खिलाड़ियों को एक बात का आश्वासन दिलाना चाहती हूं, जब तक आपकी ये लड़ाई चलेगी तो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ ये लड़ाई लड़ेंगे। आपको कोई भी जरूरत हो, आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, परेशानी हो, आप हमें बताइएगा, हम जो भी समस्या होगी, जो भी परेशानी होगी उसको, हाँ जी, हमारे यहां पे साथी सर्वेश नाम है, सर्वेश जी यहां पे मौजूद है, आपको जैसी दिक्कत हो आप उन्हें बताइएगा, जनरेटर का इंतजाम करना हो, पानी का इंतजाम करना हो, खाने का इंतजाम करना हो, आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। और जब तक आपकी ये लड़ाई चलेगी हम आपके साथ हैं।